हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टेंथ ग्रेड पंजाबी व्याकरण। तो जी अज का थोड़ा टॉपिक है विस्मिक। आपां आज विस्मिक की हुंदा, इहदियां किस्मां ते विस्मिक चिन्हां बारे की आ जाणांगे। चलो आओ आपां इहनां नूं इक वार रीड करदे हां। विस्मिक बारे तुसी की जानते हो, इस दियां किस्मां ते विस्मिक चिन्हां बारे भी दसो। पहला इहदी परिभाषा, मन दी खुशी, गमी, हैरानी आदि भावां नूं प्रगटाउण लई जिहड़े शब्द सहज सुभाव साडे मूहों निकल जांदे हन, उहनां नूं कहिंदे विस्मिक कहा जांदा। मतलब कि साढ़े जिहड़े मन दे हाव भाव हुंदे ने, हैरानी होगी, गमी होगी, साढ़े मन दे भाव ने अचानक साढ़े मूहों निकल जांदे ने बिना सोचे, अपने आप अचानक टाइम दे अकॉर्डिंग जां सिचुएशन दे अकॉर्डिंग। ठीक है, जिवें वाह वाह किसी चीज़ नूं असीं देखदे हां सानूं सोहणी लगी, असीं की कहिंदे हां, वाह वाह शाबाश। किसी दे वधिया मार्क्स आए, शाबाश खूब। किसी ने कोई वधिया काम कीता, कोई वधिया पेंटिंग कीती, आपां कहांगे कि खूब, बहुत वधिया। ठीक है, जिवें हुण किसी दे सट वजी जां किसी दे घर चोरी हो गई, ठीक है, आपां की कहांगे, हाई। ठीक है, किसी दे डैथ हो गई तां आपां अफसोस करांगे, बहुत अफसोस की गल है। ठीक है, अच्छा अगे विस्मिक चिन्ह लिखती रूप विच शब्दां दा भाव समझाउण लई विस्मिक शब्द दे नाल एक चिन्ह लगता है। किहड़ा चिन्ह? ए वाला, एक डंडी नीचे बिंदी। इस नूं असीं की कहिंदे आ बच्चिओ? विस्मिक चिन्ह कहिंदे आ। ठीक है, बोल के तां असीं इहनां नूं अलग अलग तरीके नाल दर्शाउंदे ही हाँ, पर लिखती रूप विच कहिंदे शब्दां दे जिहड़े भाव असीं प्रगटाउने आ, ठीक आ, उहनां दे नाल की लगदा? एक विस्मिक शब्द लगदा। ठीक है, चिन्ह लगदा। ठीक है, विस्मिक नौ प्रकार दे हुंदे हन। फर्स्ट है प्रशंसावाचक, मन की खुशी जां सफलता दे भावां नूं प्रगट करन वाले ते वरते जाण वाले शब्द कहिंदे प्रशंसावाचक। की हुंदे ने? विस्मिक चिन्ह हुंदे हन जां विस्मिक वाक हुंदे हन। ठीक है, जिवें बहुत खूब, फिर देखो विस्मिक चिन्ह लग गया, बल्ले बल्ले, फिर विस्मिक चिन्ह। सैकेंड है शोकवाचक विस्मिक, दुख ते गम दे भाव प्रगटाउण वाले शब्द जिवें हाय, फिर विस्मिक, अफसोस, फिर विस्मिक, उफ, फिर विस्मिक, हाय रब्बा, फिर विस्मिक। ठीक है, मतलब कि इदां दे शब्द हुंदे ने किसी दे, जिवें देखो आ किन्ने टॉपिक्स दित्ते ने तुहानूं, शोक हो गया, सतिकार हो गया, हैरानी हो गया, जिवें इहनां दे अलग अलग इदां दे की आ भाव होणगे। ठीक है, उहनां दे नाल की आ, हर एक दे नाल विस्मिक लगना ही लगना है। अगे है सत्कारवाचक विस्मिक, किसी वड्डे लई आदर अते सत्कार प्रगट करन वाले जिवें आओ जी, जी आया नूं, आओ जी तो बाद विस्मिक, जी आया नूं, फिर विस्मिक। नैक्सट है हैरानी वाचक विस्मिक, हैरानी दे भावां नूं प्रगट करन वाले जिवें है, विस्मिक, है, फिर विस्मिक, ओ विस्मिक। फिटकार वाचक विस्मिक, किसी नूं बुरा भला कहन लई जां दिली गुस्सा प्रगट करन लई। किसी नूं बुरा भला कहने आ जां असीं की आ किसी नाल दिलों गुस्सा करदे आ, ठीक आ, शिकवा शिकायत करदे आ, जिवें दफा हो विस्मिक, दुरफिटे मूँह विस्मिक, बेशर्म विस्मिक। असीस वाचक विस्मिक, किसी नूं असीस ते ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਵਿਸਮਿਕ, ਵੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ਵਿਸਮਿਕ, ਸਾਈ ਜੀਵੇ ਵਿਸਮਿਕ। ਸੂਚਨਾ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਦਾਰ ਵਿਸਮਿਕ, ਸੁਣੋ ਵਿਸਮਿਕ, ਵੇਖੀ विस्मिक, सावधान विस्मिक। इच्छावाचक विस्मिक, इच्छा जां सथना नूं पूरा करन लई जिहड़े शब्द वरते जांदे हन जिवें काश विस्मिक,
जे किते विस्मिक जे कदे विस्मिक हे वाहिगुरु विस्मिक। संबोधन वाचक विस्मिक किसी नू बुलाउण लई वरते जाण वाले जिमें वे विस्मिक नी विस्मिक ओए मुंडिया विस्मिक। बच्चे ये सी इन्हां दे नौ टाइप्स अगे है गया क्वेश्चन तुहाडा विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह की हुंदे हन इस दी परिभाषा भी दिओ अते इस दीआं किस्मां भी दसो। पहला चलो इहदी परिभाषा दिंदे आं आपां। पहला आपां बच्चों केड़ा टॉपिक पढ़िया सी विस्मिक, हुण की कर रहे आपां विश्राम चिन्ह। परिभाषा है विश्राम चिन्ह दी, विश्राम चिन्हां तों भाव अजिहे लिखती चिन्हां तों है जिन्हां तों वाक विच ठहराओ, मतलब कि जदों असीं वाक पढ़ते जां लिखते विच थोड़ा जिहा ठहर जांदे आ, ठीक आ, दी हालत दा पता लगदा है। वाक मुक्कण ते इक चिन्ह लगदा है जिस नूं असीं डंडी जां पूरन विश्राम चिन्ह भी आख्या जांदा है, जां जिस नूं असीं की कहिंदे आ पूरन विश्राम चिन्ह भी कहिंदे हां। बच्चों विश्राम चिन्ह की गिनती किन्नी हुंदी है? 12। असल विच विश्राम चिन्हां की गिनती किन्नी है? 12 है। फस्ट है पूर्ण विश्राम चिन्ह जां डंडी, ए वाक दे अंत विच लगाया जांदा। ए की है? डंडी। कोई भी सेंटेंस पढ़िया देखो, जिवें चंगा जी असी चलदे हां, की लाया विश्राम? डंडी। अगे है प्रश्न चिन्ह, जिवें तुसी केड़ी किताब पढ़ रहे हो, असी किसी नूं क्वेश्चन किया तां पिछे की आएगा? क्वेश्चन मार्क। विस्मिक चिन्ह, विस्मिक चिन्ह आपां पहला पढ़ के हटे हां, डंडी नीचे बिंदी, जिवें वाह विस्मिक चिन्ह, कमाल हो गई विस्मिक चिन्ह। कौमा, इस दी वरतों अनेकां थावां ते अलग अलग तरीके नाल हुंदी है, जिवें ओ कौमा ए कौमा तू अते मैं नलके ते नहावांगे। बिंदी कौमा, एक बिंदी नाल की लगना बच्चे कौमा। वाक दे विच इस चिन्ह दे लगण दा मतलब है ठहराओ, भाव के थोड़ा चिर रुक के फिर उस वाक नूं दोबारा दोहराना। दुबिंदी, दो बिंदियां, किसे शब्द वाकंश उपवाक दे अगे दित्ते वेरव्यां तों पहला दुबिंदी लगदी है। कहिंदे कोई भी वाक आ, कोई भी वाकंश आ, कोई भी उपवाक आ, कहिंदा जिहड़े दे अगे जिहड़े सी वेरवे दित्ते आ, ठीक आ, उह तों पहलां की लगदी आ? हमेशा दुबिंदी लगती है। जिमें प्रोफेसर, शॉर्ट दे विच लिखिया की लग गया बच्चे, दो बिंदियां लग गई। डॉक्टर, फिर की लग गई? दो बिंदियां लग गई। डैश, ए विश्राम चिन्ह जोड़नी डैश कुछ वड्डा हुंदा है, जिमें गर्मियां दे महीने किया गया डैश जेठ हाड़। जोड़नी मतलब कि दो शब्दों नूं जो आपस दे विच जोड़दे, डैश थोड़ा वड्डा हुंदा, ठीक है, ए की हुंदी है? जोड़नी, बिल्कुल छोटी जी। ए दो शब्दां अक्खरां नूं जोड़न दा काम करदी है, जिवें चाह पानी। की आ गई गब्बे? जोड़नी। दोनों नूं की जोड़ता तां की बन गया इकट्ठा? चाह पानी। अवेर सवेर, इन्हां नूं भी जोड़िया की बन गया? अवेर सवेर। दुबिंदी डैश, जिमें ए ओ तुसी, ए ता यस मैं तुहानू बच्चे वैसे ही दस्या, बट दुबिंदी एदा मतलब की है? जिमें, जिमें पाउण तो बाद आपां दो बिंदियां ते ए पाउने हुंने ना, अगे फिर आपां थोड़ा कुछ करदे हुंने आ ना, ए दुबिंदी डैश पा के ही अगे आपां की करदे आ? कुछ होर लिखदे आ। पुठे कौमे, जिमें लड़की ने मरण तों पहलां बचाओ बचाओ दीआं आवाज़ां दित्तियां, इहदे विच की आ? पुठे कौमे लगे आ। छुट्ट मरोड़ी, जिमें छत ते की लग गया? ते दे मूहरे भी लगता हों ते च दे मूहरे भी लगता हों, ठीक है। पंजा मंजा पिया है, कहिंदी छत ते की पिया? मंजा पिया है, बिंदी। अंग्रेजी विच ए पूर्ण विश्राम दा चिन्ह हुंदी है, की है? बिंदी। जिमें बी ए विचकार आ गया, एम सी ए, इन्हां ते दोनों दे विच की आ गया? विचकार, ए की हो गया? बिंदी।
बच्चों ये थोड़े सके दोनों टॉपिक तुसी ना दोनों टॉपिकों नू चंगी तरह रीड करना मैं तुहानू समझाया भी आ ते इन दोनों क्वेश्चन नू तुसी अपनी फेयर ग्रामर दी नोटबुक ते रिटन करना ठीक है। ये नहीं हैगा कि तुसी सिर्फ बुक ते ही लर्न कर लो भी नहीं असीं अग्गे लिखते नहीं सी बच्चों नहीं मैं तुहानू रिटन असाइनमेंट ताइयों दित्ती है तुसी ये दोनों क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक ते करने हन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।